हेलो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस प्रोनाउंस। प्रोनाउंस को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। तो आइए देखते हैं। प्रोनाउंस आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन टू अवॉइड रिपीटेशन ऑफ नाउंस। दे आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स। तो प्रोनाउंस वो वर्ड होते हैं जो नाउन के प्लेस पर यूज किए जाते हैं, और सेम सेंटेंस में अगर नाउन रिपीट हो रही होती है तो उसे अवॉइड करते हैं। इनके डिफरेंट्स काइंड होते हैं। फॉर एग्जांपल, आई, वी, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, इट, अस, देम, दे, माइन, अवर्स, योर्स, हिज, हर्स, देयर्स, दीज आर प्रोनाउंस। फॉर एग्जाम्पल, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है, अर्पित एंड वरुण आर गोइंग ऑन देयर साइकिल्स। तो अर्पित नाउन है और वरुण भी नाउन है, लेकिन जब नेक्स्ट सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वहाँ पर यूज हुआ है दे आर गोइंग टू द मार्केट। तो ये जो दे वर्ड है, इसने जो नेम थे इनके, जो नाउन थी, उसको रिप्लेस किया है। उसकी जगह पर हमने दे वर्ड यूज किया है, तो ये है प्रोनाउन। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो देखते हैं, दीज आर सिक्स टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। यहाँ पर आपको सिक्स टाइप्स के प्रोनाउन दिए हैं। तो फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउंस, पजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस एंड रिलेटिव प्रोनाउंस। तो अब हम इसका जो फर्स्ट पॉइंट है पर्सनल प्रोनाउंस, इसे डिस्कस करते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट वी यूज इन प्लेस ऑफ नेम्स ऑफ पीपल, प्लेस और थिंग्स। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, ये किसी व्यक्ति या किसी वस्तु के नेम की जगह पर यूज़ किए जाते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, काव्या इज अनवेल, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। तो यहाँ पर हमने ये नहीं बोला है, फर्स्ट जैसे सेंटेंस है हमारा काव्या इज अनवेल, और नेक्स्ट हमने काव्या की जगह शी को यूज़ किया है, तो ये जो शी वर्ड है ये पर्सनल प्रोनाउन है। गाइस, इसमें भी पर्सनल प्रोनाउन में भी टू टाइप्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट प्रोनाउंस, एक होता है ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो सब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं उन्हें देखते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर पर्सनल प्रोनाउंस लाइक आई, वी, यू, ही, शी, इट एंड दे, यूजली एक्ट एज द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो ये जो प्रोनाउंस होते हैं आई, वी, यू, ही, टी, इट, दे, ये सेंटेंस में यूजली सब्जेक्ट की तरह वर्क करते हैं, तो इन्हें सब्जेक्ट प्रोनाउन कहते हैं। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। तो ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कौन से होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस लाइक मी, अस, यू, हर, हिज, इट एंड देम कम इन प्लेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ये जो प्रोनाउंस हैं मी, अस, यू, हर, हिज, इट, देम, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किए जाते हैं, तो इन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस। आई होप क्लियर हो गया होगा। स्टडी दिस टेबल टू अंडरस्टैंड पर्सनल प्रोनाउन बेटर। तो इस टेबल की स्टडी करके हम पर्सनल प्रोनाउंस को और अच्छे से जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। ये जो टेबल है इसे थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में इसको ग्रुप, सेकंड में पर्सनल प्रोनाउंस जो हम यूज़ करते हैं, थर्ड में जेंडर। तो देखते हैं फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन से प्रोनाउंस आते हैं, वो हैं आई, मी, माइन, वी, अस, आवर्स। ये स्पीकर होते हैं, जो बोलने वाले होते हैं, जो बोल रहा होता है वो फर्स्ट पर्सन वाले प्रोनाउंस होते हैं। यहाँ पर दोनों में से कोई भी जेंडर हो सकता है, मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है, इसलिए यहाँ कॉमन जेंडर दिया है। सेकंड पर्सन में यू और योर्स,
ये लिसनर होता है जिससे बात हो रही होती है, और यहाँ पर भी सेम वही होता है कि जेंडर दोनों में से कोई भी हो सकता है। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन स्पोकन अबाउट, पर्सन एनिमल्स और थिंग्स स्पोकन अबाउट, यहाँ पर कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई जानवर भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकती है जिसके बारे में बात हो रही होती है। तो ये थर्ड पर्सन वाले कौन कौन से प्रोनाउंस होते हैं, वो होते हैं ही हिम हिज, शी हर हर्स, इट इट्स। तो ही हिम और हिज इनके जेंडर की बात करें तो ये मैस्कुलिन जेंडर है, शी हर हर्स इसके जेंडर की बात करें तो ये फेमिनिन जेंडर है, लेकिन इट और इट्स इसका कोई जेंडर डिफाइन नहीं होता है, ये न्यूट्रल जेंडर होता है। अब ये तो जो हमने बात की, ये तो एक ही शी हिज, यहाँ पर एक पर्सन के बारे में बात होती है तब ये यूज होते हैं, लेकिन जब एक से अधिक पर्सन की बात होती है तब दे देम देयर्स इस तरह के प्रोनाउन यूज होते हैं, तो इनका जेंडर कोई भी हो सकता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आता है पजेसिव प्रोनाउंस, तो देखते हैं पजेसिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। द प्रोनाउन विच शोज बिलोंगिंग और पजेशन इज कॉल्ड पजेसिव प्रोनाउंस, जिस प्रोनाउन में अपनापन या अधिकार प्रकट होता है वहाँ पर पजेसिव प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल दीज बुक्स आर माइन, ये पुस्तकें मेरी हैं, तो यहाँ पर अधिकार प्रकट हो रहा है कि ये पुस्तकें मेरी हैं, तो जो माइन है वो पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिस डॉग इज योर्स, तो यह कुत्ता तुम्हारा है, तो यहाँ पर भी अधिकार प्रकट हो रहा है कि यह कुत्ता तुम्हारा है, तो जो योर्स है वो पजेसिव प्रोनाउन है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हेन द सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस इज आल्सो द रिसीवर ऑफ द एक्शन, जब एक सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है, जो करता है, वह जो एक्शन हो रही है उसका प्राप्तकर्ता भी है, जो एक्शन हो रही है उसका रिसीवर भी है, वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। वी यूज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस टू रिप्लेस द सब्जेक्ट, हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज सब्जेक्ट को रिप्लेस करने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई हेल्प्ड माई सेल्फ, मैंने अपनी सहायता स्वयं की। अब यहाँ पर जो माई सेल्फ है यहाँ पर खुद के स्वयं के लिए यूज हुआ है कि मैंने अपनी सहायता स्वयं की, मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं आया। तो जब कोई सब्जेक्ट स्वयं ही उस काम को करता है तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस को हिंदी में कहते हैं संकेतवाचक सर्वनाम। तो देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस दैट दीज एंड दोज शो और पॉइंट आउट द पर्संस और थिंग्स टू विच दे रेफर। तो जो संकेतवाचक सर्वनाम है दिस दैट दीज एंड दोज, ये या तो किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को इंगित करते हैं, उसे दिखाते हैं जिसके बारे में वहाँ पर उल्लेख हो रहा होता है, जिसके बारे में वहाँ पर बात हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज पेन, तो अगर ये पेन की दिस इज पेन, तो यहाँ पर जो दिस है यह एक पेन है, तो ये पेन को इंगित कर रहा है, उसे दिखा रहा है, तो ये जो दिस है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। दोज आर बुक्स, वे पुस्तकें हैं, तो यहाँ पर जो दोज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। दे आर यूजुअली फॉलोड बाई वर्ब्स, इनके बाद यूजुअली वर्ब यूज होती है, जैसे अभी हमने ये एग्जाम्पल देखा दिस इज अ पेन, तो दिस तो यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, लेकिन उसके उसके जस्ट बाद में वर्ब यूज हुई है इज। नेक्स्ट दोज आर बुक्स, तो यहाँ पर भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जस्ट बाद में ही वर्ब यूज हुई है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा।
नेक्स्ट आता है इंटरोगेटिव प्रोनाउंस, प्रश्नवाचक सर्वनाम। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर प्रोनाउंस दैट आस्क क्वेश्चन। प्रश्नवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम होते हैं जो प्रश्न पूछते हैं, जिनमें प्रश्न पूछा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर फेवरेट एनिमल, आपका पसंदीदा जानवर क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ही तो कर रहे हैं कि आपका पसंदीदा जानवर क्या है, तो ये जो व्हाट है वो इंटरोगेटिव प्रोनाउन है। व्हाट वुड यू लाइक फॉर डिजर्ट, आप मीठे में क्या लेना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर भी क्वेश्चन किया जा रहा है। तो जिस तरह हम नॉर्मली किसी से बात करते हैं तो पूछते हैं वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो ये जो व्हाट, वेयर, ये जो विच, ये जो क्वेश्चन वर्ड हैं यही इंटरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है रिलेटिव प्रोनाउंस, तो देखते हैं। अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स, एक जो रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स, एक संबंधवाचक सर्वनाम संदर्भित करता है यानी इंगित करता है, रिलेट्स संबंधित करता है, और टेक्स अस बैक टू अ नाउन गोइंग बिफोर इट इन द सेम सेंटेंसेस, या हमें उसी वाक्य में एक संज्ञा से पहले वापस ले जाता है, उसे रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं या संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पसिस हैव अ पैरट दैट कैन टॉक। पसिस के पास एक तोता है जो बोल सकता है। तो Who, whom and whose are used to talk about the pupil? तो जो who, whom और whose, ये जो pronoun है, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे होते हैं तब ये pronoun use होते हैं, who, whom और whose। We use that to talk about pupil, animal and things। और जब हम किसी व्यक्ति या किसी जानवर या किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं तब हम दैट का यूज करते हैं। वी यूज विच टू टॉक अबाउट एनिमल एंड थिंग्स ओनली। हम जो विच प्रोनाउन है इसका यूज केवल जानवर या वस्तु के बारे में बात कर रहे होते हैं तब ही करते हैं। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। Thank you.